अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुजारिश के बावजूद सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन को कम कर तेल की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है। सऊदी अरब ऐसा अमेरिका के कच्चे तेल के बाजार पर कंट्रोल को रोकने के लिए कर रहा है। अमेरिका हर दिन ओपेक के किसी भी देश से ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। एक साल पहले यह दर्जा सऊदी अरब के पास था। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अल फलीह ने कच्चे तेल के उत्पादन को 12 लाख बैरल प्रतिदिन से कम कर कच्चे तेल के दाम को बढ़ाने की बात कही है। इससे पहले अल फलीह ने कहा था कि वो अमेरिका को कच्चे तेल के बाजार पर अपना वर्चस्व बनाने नहीं देंगे। सऊदी अरब के इस कदम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें आशा है कि सऊदी अरब कच्चे तेल के उत्पादन को कम नहीं करेगा और कीमतें भी न बढ़ाए। हालांकि बीते शुक्रवार को ओपेक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन को कम कर दिया, जिससे फ्यूचर्स बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक 15 ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है, पर अमेरिका हर दिन अकेला इनमें से किसी भी देश से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। साल 2000 में ओपेक देशों के कच्चे तेल का कुल उत्पादन 27,971,000 बैरल प्रतिदिन था, जो 2010 में 29,222,000 बैरल प्रतिदिन हुआ और 2017 तक 32,623,000 बैरल प्रतिदिन रहा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कच्चा तेल उत्पादन 10 साल में 5,822,000 बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 5,478,000 बैरल प्रतिदिन हो गया और 2017 तक लगभग दुगना होकर 9,352,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। हालांकि 2017 में जब अमेरिका 9,352,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन कर रहा था, तब ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का प्रोड्यूसर था, क्योंकि तब सऊदी अरब 9,954,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन करता था। पर अब हालात बदल गए हैं। सऊदी अरब को पीछे छोड़ अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का प्रोड्यूसर बन चुका है। सितंबर 2018 में सऊदी अरब ने 10,502,000 बैरल प्रतिदिन के दर से कच्चे तेल का उत्पादन किया, तो अमेरिका ने 11,475,000 बैरल प्रतिदिन के दर से कच्चे तेल का उत्पादन किया। कच्चे तेल का उत्पादन और निर्यात खुद में एक अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसके जरिए दुनिया भर के बाजार को नियंत्रित करना काफी आसान हो जाता है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।